हेलो, मैं हूँ शिवम। वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। और भाई, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एम्पियर मैग्नस EX का राइड एक्सपीरियंस। तो भाई, सबसे पहले तो कुछ इस तरीके का आपको इसमें मीटर देखने के लिए मिल जाता है। और रेडी करने के लिए आपको, देखो जैसा आप करते हो ना, तो भाई ये रेडी करने के लिए बटन दबाना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ यार जो इसमें देखने के लिए मिलती है ना, कितना कितना ज़्यादा ढीला हैंडल है यार इसका। बिल्कुल भी वजह नहीं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक में यार इसमें दिक्कत होती है। पता नहीं एकदम से अगर एक ब्रेक भी दब रहा है ना इसका, तो भाई उसमें भी जो है ना ये रेस नहीं पकड़ती। सारी इलेक्ट्रिक स्कूटी में यही दिक्कत है। फिर ये स्कूल वाले बच्चे जो होते हैं भाई, ये परेशान हो जाते हैं आपकी वजह से। तो भाई आपको दो मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, एक अभी जो हाई वाला लगा हुआ है और दूसरा है ये लो वाला। इसमें लो वाले में इतना ज़्यादा पिकअप नहीं पकड़ती, देखो मैं कितनी ज़्यादा रेस दे रहा हूँ। और हाई वाले में लगाएंगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा पिकअप जो है ये पकड़ लेती है। थोड़ी सी देर भाई अभी इसे चलाया तो भाई इसका हैंडल देखो यार, बहुत ही ज़्यादा लाइट है। इसमें भाई आराम से आप बिल्कुल कटवट मार सकते हो। यहाँ पे आपको हाई बीम का बटन मिल जाता है। यहाँ पे हॉर्न है भाई, जो हॉर्न की प्लेसिंग जो है भाई वो गंदी दे रखी है, हॉर्न बेकार क्वालिटी का। और यहाँ पे नीचे इंडिकेटर दे रखे हैं, बाकी यहाँ पे रेडियो का बटन दे रखा। और यहाँ पे जो लाइट्स के कंट्रोल दे रखे हैं, ये मैंने आपको दिखाई दिया भाई। यहाँ पे आपको मोड दे रखे हैं हाई और लो सेलेक्ट करने का। बाकी एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अभी स्कूटी रेडी है बिल्कुल चलने के लिए। यहाँ पे आपको देख रहा होगा, और यहाँ पे देखो मैंने स्टेट लगा रखा। ये देखो यार, स्कूटी रेस देने पे यार यूँ चल लेती है यार। ये सेफ्टी फीचर इसमें नहीं डाल रखा, ये एक बेकार चीज़ है। तो भाई कुछ इस तरीके से हमारे मेरठ में देखो लीड ऐसे करके ठेलों पर भी मिलती हैं। और भाई इतना चलाने के बाद एक चीज़ मैंने देखी है, इसकी जो ब्रेकिंग है ना भाई, यूँ समझ लो जैसे साइकिल में पावर ब्रेक होते हैं ना, ऐसी ब्रेकिंग है। आपको स्पीड दिखाऊं ना यार, स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा पकड़ लेती है अपने हाई मोड में। ये देखो भाई, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के दिखाता हूँ। ये देखो भाई, स्पीड तो मतलब ठीक ठाक पकड़ लेते हैं। अगर शहर की यूज़ से लेनी है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस भाई ब्रेकिंग की बहुत बड़ी दिक्कत है इसमें यार। एक ये चीज़ बड़ी बेकार है इसमें, हल्का सा भी मैंने ब्रेक दबाया तो भाई जो रेस दे रखे वो बेकार हो जाएगी। और जिसे चलाने की आदत नहीं है ना भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर में, वो बिल्कुल नहीं चला पाएगा इसे। और ये देखो यार, मीटर भी इसका ऐसा ही है, मतलब जैसे बचपन में हम वीडियो गेम खेलते थे ना, कुछ इस तरीके का सही मीटर आता है। इसमें ये नकली स्पीड दिखाता है, जो स्पीड ये दिखाता है वो ठीक नहीं है। बाकी स्कूटी यार बहुत ज़्यादा लाइट है, अगर लेडीज़ के लिए लेनी है ले सकते हो। और लेग रूम जो है ना भाई, अंदर ही लेग रूम है यार इसमें। जो एक सिलेंडर है वो तो बड़े आराम से आ जाएगा, एक्टिवा जो है अपनी भाई उस पर भी एक सिलेंडर नहीं आ पाता। बाकी आगे ग्रीन लाइट हो रखी है यार, जल्दी से निकलते हैं, ग्रीन लाइट को पास करते हैं। वैसे भाई इलेक्ट्रिक में एक चीज़ बढ़िया होती है यार, कितना भी लो यार दोपहर में शाम को बढ़िया मौसम हो रहा हो कभी लेके निकल जाओ। और भाई पेट्रोल में तो यही दिक्कत होती है भाई, उसमें पेट्रोल डलवाओ 100-100 रुपये, 200-200 रुपये भाई कम में पेट्रोल पी जाती है ना, 100-100 रुपये का वो पता ही नहीं लगता। पर भाई इलेक्ट्रिक में तो भाई वही है, घर की बिजली है, घर की खेती है, कितनी भी चलाओ यार स्वाद आता है यार। वैसे मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने में बिल्कुल भी जो वाइब्रेशन होती है ना वो नहीं होती, तो उसमें जो है ना भाई थकान वकान बिल्कुल नहीं होती यार। तो भाई ये अपना मेरठ का सोतेगंज, यहाँ पे जो अपने व्हीकल है ना भाई, इनकी सर्विस होती है A to Z, सारे जो पार्ट हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यार पीछे बैठा हूँ तो यार बहुत सही एक्सपीरियंस है। जो सबसे मेन चीज़ मेरे को लगती है ना भाई, इसमें थकान नहीं होती यार बिल्कुल भी। जो अपनी वो होती है ना व्हीकल होता है पेट्रोल वाला, वो तो भाई हिलता रहता है जैसे उसका पिस्टन ऊपर नीचे होता है, पर भाई ये इतनी ज़्यादा स्मूथ होती है ना, जो गड्ढे होते हैं वही फील होते हैं आपको सड़क केस में। जैसा ये चल रहा है ना यार, ये चीज़ें इलीगल होनी चाहिए भाई रोड पे। देखना यार कितने ज़्यादा वो लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर कुछ मिसहैपनिंग हो गई ना यार, किसी की जान जाने से बचने लगती भाई, आगे निकाल लो उससे तो यार बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो भाई यही था अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ में। अगर भाई वीडियो पसंद आई तो भाई की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा फ्यूचर में, और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच।